तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, अभी जो आपने ये वीडियो देखा वो अचानक से मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अभी मैं आधे घंटे पहले तक जो ऐसे बिस्तर पर सोया हुआ था, तब तक अचानक से दीवार पर से नीचे ये लीडर से नीचे गिर गया सब। तो मैं सोचा यार क्या गिरा, तो मैंने ऐसे बैक करके देखा तो देखा कि यार लीडर पड़े हुए थे सब। तो अचानक से डर गए हम भी। तो फिर हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनीष, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रेप्टिलियन व्यू पर, जहाँ हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लाइन से। तो द ब्यूटीफुल लाइन इज, अगर आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करें या फील करें तो मेरी मानिए उस वक्त आप एक हॉरर मूवी देख लीजिए अकेले बैठ के और लाइटें ऑफ करके। उसके बाद हमेशा आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है। तो कैसा लगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात फैक्ट नंबर वन के साथ। एंड नाउ आवर फर्स्ट फैक्ट इज अबाउट द फ्लैट वर्म, यानी कि जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में केचुआ कहते हैं। जी हाँ, उन्हीं के बारे में। ये जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनका, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि अगर हम उनका ये सिर और ये पार्ट काट देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उनका ये जो पार्ट था ये ग्रो हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप उनका हेड काट भी देते हैं फिर भी उनका हेड ग्रो हो जाता है और उनके साथ ही जो उनके हेड में जो माइंड होता है वो भी ग्रो होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि नए पार्ट आने के बाद भी, रीग्रो होने के बाद भी, उनके माइंड में जो ओल्ड मेमोरीज थी सिर कटने से पहले, वो सभी मेमोरीज उनके दिमाग में रहता है। और ये बात वाकई में अचंभ भी करने वाला है, क्योंकि मतलब माइंड भी रीग्रो हो सकता है और पुराना जो ओल्ड मेमोरीज थे वो भी आ सकते हैं वापस उनके माइंड में। तो मैंने ये चीज़ अपने क्लास 9th या 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ा था। मुझे क्लियर याद नहीं है क्लास 9th में था या 10th में था, लेकिन मतलब इन्हीं दो क्लासेस में से एक था। तो मैंने उसमें इसके बारे में पढ़ा हुआ था, उसमें इसका नाम प्लेनेरिया रखा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्ट की तरफ, और वो है वैलेंटाइन टेपले और अब्राहम लिंकन के बारे में। जी हाँ, वैलेंटाइन टेपले ने कसम खाई थी, यानी कि इस तरह से कही कि उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि अगर अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाते हैं तो वो कभी भी सेव नहीं करवाएंगे, यानी कभी दाढ़ी नहीं करवाएंगे। और अब ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में इनकी डेथ तकरीबन 1910 में हुई थी, यानी कि 1910 में हुई थी इनकी डेथ, और उस वक्त इनकी दाढ़ी तकरीबन 12 फुट की हो गई थी। और ये हैं अब्राहम लिंकन, और सोचिए इन्होंने अपना प्रोमिस कितना सिद्धत से निभाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड फैक्ट की तरफ। और हाँ, ऐसे बीच में आने के लिए सॉरी, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर जिसमें कि आपको तो हम खुश दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ध्यान उन पर नहीं देना, बल्कि ध्यान दीजिए इस कॉर्नर पर जहाँ पे एक हाईलाइट करके छोटा सा पिक बनाया गया है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक्चुअली में यहाँ ये टॉम क्रूज जिस पे बैठे हैं वो बुर्ज खलीफा है, जो दुबई का पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसके एकदम टॉप पे बैठे हुए हैं ये, और वहाँ पे पिक्चर लिया गया। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो उनके साइड में जो नीचे से छोटा सा पिक्चर है इसमें, उसमें ये लिखा हुआ है ABC लव्स XYZ। मतलब ये चीज़ें हमारे इंडिया में ही नहीं चलती हैं, बल्कि बाहर भी चलते हैं। और गट्स चाहिए होगा ये लिखने के लिए, क्योंकि वाकई में यार वो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वहाँ कोई कैसे जाके उस तरह से लिख सकता है। और उस पिक्चर में ये नहीं लिखा हुआ है ABC लव्स XYZ, बल्कि वहाँ पे कुछ उनके जगह नाम है जो भी क्लियर नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे ये बताया गया कि ABC लव्स XYZ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट, दैट इज फैक्ट नंबर 4। और फैक्ट नंबर 4 है अबाउट द शॉर्टेस्ट रूट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक ऐसी AI डेवलप की है जिसे कि सुपर AI कहा जा रहा है। और ये AI आपके पूरे वर्ल्ड में, जो भी पूरे वर्ल्ड के दो पॉइंट के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है उसे फाइंड करने का काम करती है। और ये वाकई में बहुत ही हेल्पफुल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि फ्यूचर में इसका हम कितने ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि पहली बात तो यह, सबसे पहले मनी इफिशेंट होने वाली, क्योंकि अगर मान लीजिए आप सबसे शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ लेते हैं तो आपको खुद सोचिए आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और इसलिए इसे फ्यूचर में बहुत यूज़ किया जाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ फैक्ट की तरफ, डेट इज अबाउट किसिंग। जी हाँ, फैक्ट अबाउट किसिंग, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही रहेंगे। जी हाँ, आज मैं आपको किस के बारे में कुछ बताऊंगा, जो कि आप लोगों से बहुत लोगों ने किस किया भी होगा, लेकिन आज किस करने से आपके बॉडी को इंटरनली क्या फ़ायदे मिलते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली पहला फ़ायदा ये होता है कि आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, मतलब आप जो खुश होते हैं तो आपकी बॉडी से एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो उसे बूस्ट करता है ये किस करने का फैक्टर। जब भी आप किसी को किस करते हो आपके बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो बूस्ट होते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपको हेडेक होता है तो ये आपके हेडेक को रिड्यूस करता है, यानी कि आपको हेडेक से रिलीफ देता है। तीसरा फायदा है, अगर आपके मन में किसी बात को लेकर एंजाइटी पल रही है तो उस एंजाइटीज को ये रिड्यूस करता है। चौथा है स्ट्रेस लेवल। जी हाँ,
अगर आप किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हैं तो ये चीज आप उससे ओवरकम करने में भी हेल्प करती है, आपको रिलीफ देती है स्ट्रेस से। और सबसे इम्पॉर्टेंट पांचवा फायदा ये होता है आपके शरीर को इस करने से कि आपका जो सेल्फ स्टीम है यानी कि आपका जो आत्मविश्वास है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि आप और भी कॉन्फिडेंस महसूस करते हो या फील करते हो। सो ये थे आज के फैक्ट। आपको इन पांच फैक्ट में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें जानेंगे और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए, धन्यवाद।